ओके, वेरी वार्म गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्टैटिक जीके, जिसमें मैं साइंस के क्वेश्चंस कवर करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे फॉर आरएमसी एस्पिरेंट्स। ओके, ये सारे क्वेश्चंस इस बार के आरएमसी एग्जाम को देखते हुए डिजाइन करे गए हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, सेंड मी लॉट्स ऑफ थम्स अप्स फॉर द कंफर्मेशन। इज एवरीथिंग फाइन? वॉइस क्वालिटी ठीक है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। भार्गव, गहोत्री, रेहान अहमद, विनीत खंडूरी, ललित मोहन, शाश्वत सिंह, विश्वराज त्यागी, लॉट्स ऑफ पीपल आर लाइव। ओके, विश्वराज त्यागी ने कंफर्मेशन दे दिया है कि सब ठीक है। चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, मैं बच्चों को ये कोर्स रिकमेंड करूंगा। बच्चों के डिमांड पर हम लोग ये कॉम्बो ऑफर लाया है। इट कॉम्बो कोर्स बेसिकली। इस कॉम्बो कोर्स में 5 डेज वर्कशॉप के साथ कटिंग एज आपको मिलेगा फॉर जस्ट ₹1500। तो ये कोर्स काफी इंपॉर्टेंट है अभी आरएमसी एग्जाम के लिए। एग्जाम है उसके लिए ये कॉम्बो कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कॉम्बो कोर्स बच्चे चाहें तो 1 या 2 दिन में कवर कर सकते हैं। 5 डेज वर्कशॉप में अराउंड 6 वीडियो है। ओके, और कटिंग एज में सारे करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे जनवरी से नवंबर तक। वो भी हाईलाइटेड करंट अफेयर्स है, मतलब जो चीजें हाईलाइट करी गई हैं आपको सिर्फ वही पढ़नी है। ओके, एंड अगर आपको इसको अवेल करना है तो अवेल करने के लिए आपको डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड पड़ेगा फ्रॉम द प्ले स्टोर। और फिर आपको उस ऐप को जब आप ओपन करेंगे उसको एज अ स्टूडेंट लॉग इन करेंगे। एज अ स्टूडेंट लॉग इन करने के बाद आप स्टोर में जाएंगे, सारे कोर्सेज दिख जाएंगे और आप वहां से अवेल कर सकते हैं। और उसके अलावा जो भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप जो हमारे नंबर्स हैं उन पे फोन करें और अपने डाउट्स या कोई भी क्वेरी है उसको पूछें और आपको असिस्ट किया जाएगा ऑनलाइन कोर्स को अवेल कराने में। ओके, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये पहला सवाल है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ लार्ज ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट इज कॉल्ड। ओके, तो मैं आप लोगों के ऑप्शंस, आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, ओके, आप लोगों के कमेंट्स में देखूंगा। ठीक है, बच्चे वेन बोल रहे हैं। अनिरुद्ध सिंह इज सेइंग वेन, बट द करेक्ट आंसर इज आर्टरी। करेक्ट आंसर, ओके, आर्टरी। पूछा है अ ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो हार्ट से जो अवे ले जाता है टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू एओर्टा, उसको हम लोग आर्टरी कहते हैं। ओके, आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। चलो, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो आप, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑफ द फॉलोइंग द वन दैट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसमें से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मेंबर नहीं है? थियामिन, राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आवाज ब्रेक हो रही है, बीच में टूट रही है। चलो, प्लीज बेयर विथ इट। ओके, आप विजुअल्स देख के काम चलाएं और क्वेश्चंस पे फोकस करें। ओके, इंपॉर्टेंट है। सो वेरी गुड, अनिरुद्ध सिंह हैज गिवन द राइट आंसर। ओके, विश्वराज त्यागी, सभी बच्चों ने सही जवाब दिया। द करेक्ट आंसर इज डी, एस्कॉर्बिक एसिड इज राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, फोकस करो। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है फंगी आर प्लांट्स दैट लैक। ओके, ये सारे एग्जाम्स में भी पूछे गए। Fungi are plants that lack oxygen, carbon dioxide, chlorophyll, या none of these. Easy है। Okay. अनिरुद्ध सिंह ने सबसे पहले जवाब दिया है। The correct answer is chlorophyll. Okay. ये RMC में पूछा गया सवाल है, I think so. जहां तक मुझे याद है ये ऑलरेडी पूछा, क्वेश्चंस को कवर करा है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगला सवाल है रेप्टाइल्स आर, ओके, रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, नॉन हेयरिंग, एग लेइंग। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? बहुत आसान है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। वेरी गुड, अनिरुद्ध सिंह अगेन, अनिरुद्ध सिंह सही जवाब दे रहे हैं। ए इज द राइट आंसर, रेप्टाइल्स आर।
चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द ब्लड वेसल्स विद द स्मॉलेस्ट डायमीटर आर कॉल्ड, ब्लड वेसल्स विद द स्मॉलेस्ट डायमीटर, कैपिलरीज, आर्टेरियल्स, वेन्यूल्स या लिम्फेटिक्स। ये भी आसान सवाल है। वेरी गुड, अगेन अनिरुद्ध सिंह हैज गिवन इट राइट, कैपिलरीज इज द राइट आंसर। ओके, कैपिलरीज इज द राइट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर बॉर्न डिजीज, इसमें से एयर बॉर्न डिजीज कौन सी है, मीजल्स, पिंक आई, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस। वेरी इजी, मीजल्स, पिंक आई, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस। मीजल्स, विश्वराज त्यागी ने इस बार सबसे पहले सही जवाब दिया है, द करेक्ट आंसर इज ए मीजल्स। ओके, ए मीजल्स इज द राइट आंसर। ओके वेरी गुड, ठीक है, लॉट्स ऑफ इनान कुंडूज, प्रमिला घिल्दियाल, सुधा चम्बियाल, सुजॉय, ठीक है, सभी के नाम नहीं ले पा रहा हूं बट अनिरुद्ध, अच्छा अनिरुद्ध के लिए संजीव इज सेइंग कि अनिरुद्ध चीटिंग कर रहा है, ही ऑलरेडी हैज द पीडीएफ। नहीं नहीं अनिरुद्ध के पास कहां से पीडीएफ आएगा। ओके, आई एम नॉट गिवन दिस पीडीएफ टू एनीवन, ये पीडीएफ किसी को नहीं दिए। ओके अगले सवाल पे चलते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर इज अ वेरी येलो डस्ट दैट कम्स अवे ऑन द फिंगर्स वेयर एवर वी टच द मिडिल ऑफ अ फ्लावर, so these tiny yellow grains are one of the most precious substances in nature because they contain the secret of plant life, so what is this dust called, pollen, sperm, spore or sporocyst। Asan sawal hai ye bhi, very good very good, so this time again Aniruddha ne sahi jawab diya hai। Okay, the correct answer is pollen only। Okay chalo, pollen grains bolte na, pollen is the right answer। एंथर टू स्टिग्मा, उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस द फ्लूइड नोन एज बाइल, अगेन इजी, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस द फ्लूइड नोन एज बाइल। अनिरुद्ध ने सही जवाब दिया है, फॉलोड बाय विश्वराज त्यागी। मुझे लगता है कि अनिरुद्ध का जो नेट है वो बहुत अच्छी स्पीड में चल रहा है, इसलिए अनिरुद्ध पहले आंसर कर रहा है। द करेक्ट आंसर लीवर के पास ही होता है बाइल डक्ट, जिसमें बाइल जूस इकट्ठा होता है। ओके, जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अच्छा, इनमें से कौन सा हार्मोन एक स्टेरॉइड है, Which one of the following hormones is a steroid? Cortisone, glucagon, glucagon, insulin या oxytocin? इसमें से कौन सा हार्मोन एक स्टेरॉयड है? इंसुलिन स्टेरॉयड नहीं है अनिरुद्ध, नो, इंसुलिन इज नॉट अ स्टेरॉयड। द करेक्ट आंसर इज ए, कॉर्टिसोन इज द राइट आंसर। ओके ओके आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर, इसमें से कौन सा लीवर का फंक्शन नहीं है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, स्टोरेज ऑफ ब्लड, डिटॉक्सिफिकेशन या रिप्रोडक्शन। ओके अनिरुद्ध ने सही जवाब दे दिया है, द करेक्ट आंसर इज डी, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर का फंक्शन नहीं है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में। ओके वेरी गुड, ओके अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
ओके, स्वेट ग्लैंड्स अगर इन ग्रेटेस्ट नंबर इन द स्किन ऑफ, ऑप्शंस हैं ए फोरहेड, बी फोरआर्म, सी पाम ऑफ द हैंड या डी बैक। ओके, जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो सबसे ज्यादा नंबर में कहां पर होती है स्किन में, फोरहेड में, फोरआर्म में, पाम ऑफ द हैंड्स या बैक, कहाँ सबसे जल्दी पसीना आ जाता है एकदम से जब आप नर्वस फील करते हो। ओके, वेरी गुड, सहराज माधवे ने सही जवाब दिया है सबसे पहले। सहराज माधवे हैज गिवन इट राइट आंसर, द करेक्ट आंसर इज पाम, पाम ऑफ द हैंड। ओके, सी इज द राइट आंसर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हु स्टार्टेड वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन किसने स्टार्ट किया था, जॉनस ई साक, पॉल मुलर, एडवर्ड जेनर या रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ललित मोहन कह रहे हैं सर वी हैव टू टेक कोरोना रिपोर्ट ऑल्सो इन द एग्जामिनेशन हॉल। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोगों के एडमिट कार्ड्स में क्या लिखा है। ओके बच्चे आंसर कर रहे हैं, द करेक्ट आंसर इज, विश्वराज त्यागी ने सही जवाब दिया है, द करेक्ट आंसर इज एडवर्ड जेनर, सी, सी इज द राइट आंसर। ओके अच्छा, पूछ रहे हैं कि सर आरएमसी एग्जाम में क्या हम लोगों को कोरोना रिपोर्ट भी ले जानी है, टेस्ट की जो रिपोर्ट आएगी आरटीपीसीआर रिपोर्ट क्या वो ले जानी है। तो वो डिपेंड करता है क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी एडमिट कार्ड्स देखे हैं किसी भी एडमिट कार्ड में ऐसा मेंशन नहीं किया है कि यू हैव टू प्रोड्यूस दैट रिपोर्ट, आरटीपीसीआर रिपोर्ट। ओके ये स्टेट वाइज डिपेंड करता है, अगर कोई स्टेट वाले डिमांड कर रहे हैं क्योंकि स्टेट ही कंडक्ट करवाता है आरएमसी एग्जाम। ओके आप लोगों के रिस्पेक्टिव स्टेट्स के कैपिटल्स में आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं, और अगर आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है तब तो आप कराइए, अगर मेंशन नहीं है तो फिर कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो कमेंट में लिखकर बताइए, यस और नो करके बताइए कि किसी के एडमिट कार्ड में ऐसा लिखा हुआ है, मेंशन किया है आरटीपीसीआर रिपोर्ट ले जानी है एग्जाम से पहले, इज इट मेंशन्ड इन एनीबडीज एडमिट कार्ड। किसी के एडमिट कार्ड में है, हाँ ठीक है, तो सभी बच्चे नो सर बोल रहे हैं। ओके तो इट इज नॉट मेंशन्ड, ओके सभी बच्चे मनाई कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, प्रोटीन्स आर मेड ऑफ, आसान सवाल है, प्रोटीन्स आर मेड ऑफ शुगर्स, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स या न्यूक्लिक एसिड्स। प्रोटीन्स आर मेड ऑफ शुगर्स, अमीनो एसिड्स, वेरी गुड, विश्वराज त्यागी ने सही जवाब दिया है। श्रेयोशी डोबाल इज आस्किंग सर रिजल्ट आ गया क्या, इफ आर आस्किंग अबाउट आरएमसी रिटर्न जून 2019, तो हाँ रिजल्ट आ गया है। ओके मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है रिजल्ट के ऊपर, बच्चों को कंग्रेचुलेट भी किया है जिन बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई किया है, और जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है उनको भी मैंने बधाई दी है और उनसे कहा है कि आप मेहनत करें और आप अगला अटेम्प्ट जरूर निकाल सकते हैं। ओके यू हैव दैट कैपेबिलिटी। ओके चलो, मैंने अभी बच्चों के कमेंट्स नहीं देखे, फिर तो विश्वराज त्यागी ने सबसे पहले आंसर दिया है, द करेक्ट आंसर इज अमीनो एसिड्स। ओके हम बोलते हैं ना एसेंशियल अमीनो एसिड्स, तो सारे आपको मिलते हैं प्रोटीन में, अलग-अलग एनिमल बेस्ड प्रोटीन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स आपको उसमें मिलते हैं। ओके अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लीवर, मिल्क, एग योक, फिश लीवर ऑयल आर द सोर्स ऑफ विटामिन, कौन से विटामिन के सोर्स हैं, विटामिन ए, B2, डी, सी। लीवर, मिल्क, एग योक, फिश लीवर ऑयल आर द सोर्स ऑफ विटामिन ए, B2, डी, सी। ओके विटामिन डी, विश्वराज त्यागी ने पहले जवाब दिया है, फॉलोड बाय अनिरुद्ध। ओके फिर अनिरुद्ध, फिर शाश्वत सिंह, फिर संजीव थपलियाल। ओके सो इट्स विटामिन डी। ओके तो विटामिन डी जिन बच्चों की बॉडी में विटामिन डी की चीजें कंज्यूम करनी चाहिए। ओके जो वेजिटेरियन है दे कैन कंज्यूम मिल्क, ओके और जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो ले ही सकते हैं बाकी की चीजें।
ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, हार्ट इज मेड अप ऑफ, ओके ऑप्शंस देख लीजिए, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, कार्डियक मसल्स, एडिपोस टिश्यू या स्ट्रेटेड मसल्स। ये तो इजी सवाल है, ऑप्शंस पढ़कर ही आप बता सकते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर टेक नेम ऑफ टॉप थ्री पर्सन, अदिति भगत सिंह, कार्डियक मसल, अनिरुद्ध सिंह ने जवाब दिया है सबसे पहले, ओके फिर सराज माधवे ने जवाब दिया है और फिर शाश्वत त्यागी ने जवाब दिया है, सॉरी शाश्वत सिंह ने, फिर विश्वराज त्यागी ने, फिर श्वेता डंडरियाल ने, फिर दिव्या सिंह ने, फिर भार्गव गहोत्री ने, गहतोरी ने, ओके कार्डियक मसल्स बी इज द राइट आंसर। ओके हैप्पी अदिति भगत, आई हैव टेकन लॉट्स ऑफ नेम्स। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ओके अगला सवाल क्या है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हर गोबिंद खुराना'स वर्क रिलेट्स टू, ये भी एक बार पूछा गया सवाल है। ओके ऑप्शंस हैं सिंथेसिस ऑफ सिंपल डीएनए, अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक कोड, रिडक्शन ऑफ म्यूटेशन या सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम बैक्टीरियल सेल। आप इस तरीके से ऑप्शंस में लिख सकते हैं, डीएनए, जेनेटिक कोड, म्यूटेशन या आरएनए, इस तरह से इन शॉर्ट आप लोग लिख सकते हैं। वेरी गुड, तो विश्वराज त्यागी ने सबसे पहले आंसर दिया लेकिन उसने सिर्फ बी मेंशन किया है, बी इज द राइट आंसर, फॉलोड बाय अनिरुद्ध सिंह और फिर जवाब सही दिया है शाश्वत सिंह, नहीं, फिर विश्वराज त्यागी ने, ठीक है ओके, और फिर दिव्या सिंह ने, ओके दिव्य सिंह, दिव्या है या दिव्य है, चलो तो द करेक्ट आंसर इज बी, अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक कोड पूछा गया सवाल काफी बार आया है, ओके सो द करेक्ट आंसर इज बी। चलो आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी आप लोगों ने न्यूज में काफी देखा होगा, ओके द फर्स्ट कोरोना वायरस विच किल ह्यूमन कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड एड्स या एफ एड्स या सार्स या एचआईवी, ये भी काफी आपने न्यूज में देखा होगा, कोरोना वायरस की फैमिली का ही है, द फर्स्ट कोरोना वायरस विच किल ह्यूमन कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड एड्स, नो इट्स नॉट एड्स, शाश्वत ने सबसे पहले सही जवाब दिया, इट्स सार्स, मिडिल ईस्ट नेशंस में फैला था ये, शाश्वत सिंह ने सबसे पहले सही जवाब दिया सार्स, फॉलोड बाय विश्वराज त्यागी एंड देन सहराज माधवे, ओके और भार्गव ने भी, इन सभी ने सही जवाब दिया, द करेक्ट आंसर इज सी सार्स। ओके सार्स इज द राइट आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स स्टार्ट इन द माउथ, स्टमक, ड्यूडिनम या इंटेस्टाइन, प्रोटीन कहां से डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है, माउथ से, स्टमक से, ड्यूडिनम से या इंटेस्टाइन से। नो नो इट्स नॉट माउथ, विश्वराज त्यागी ने सही जवाब दिया इट्स स्टमक, फॉलोड बाय भार्गव, देन अनिल कुमार एंड देन श्वेता डंडरियाल, स्टमक इज द राइट आंसर। ओके नॉट माउथ, माउथ में तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं पेप्सिन और वो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। ओके पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन, ऐसे ऐसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, नॉट माउथ, जो माउथ लिख रहे हैं वो सब गलत है। अगले सवाल पे आ जाइए, ओके व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसिड दैट इज सिक्रीटेड इन द स्टमक इज, कौन सा एसिड स्टमक में सिक्रीट होता है, HCl, H2SO4, H2CO3, HNO3, आसान सवाल है। वंडर बॉय नारायण इज सेइंग माउथ इज द करेक्ट आंसर, नो माउथ इज नॉट द करेक्ट आंसर, प्रोटीन माउथ में डाइजेस्ट नहीं होता। ओके HCl इज द राइट आंसर गिवन बाय अनिरुद्ध सिंह फॉलोड बाय शाश्वत सिंह एंड देन भार्गव, ओके सो ए इज द राइट आंसर, HCl।
यस यस एनसीएल इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, विच विटामिन इज नीडेड टू प्रिवेंट जीरोथेलमिया, कौन सा विटामिन चाहिए आपको टू प्रिवेंट जीरोथेलमिया, आई से रिलेटेड है। वंडर बॉय बोल रहा है सलाइवा, अरे सलाइवा एंजाइम है ओके जो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं करता वंडर बॉय ओके। चलो बच्चे इसका भी आंसर दे रहे हैं, तो विच विटामिन इज नीडेड टू प्रिवेंट जीरोथेलमिया, इट इज द आई रिलेटेड डिजीज, विटामिन ए इज द राइट आंसर। किसने सही दिया है पहले, मंश यदुवंशी फॉलोड बाय अर्चित पवार देन विश्वराज त्यागी, पहले बी लिखा है फिर ए लिखा है ओके और फिर अनिल कुमार। चलो इन सभी बच्चों ने सही जवाब दिया, द करेक्ट आंसर इज ए विटामिन ए ओके। और भी काफी बच्चे हैं जो सही जवाब दे रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये भी इजी सवाल है, देखते हैं बच्चे कैसे आंसर करते हैं। द वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स जिन्हें हम WBCs बोलते हैं, दे आर पॉपुलरली कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बिकॉज, ऑप्शंस देखिए, ए मार्च एट अ रेगुलर पेस, बी अपियर यूनिफॉर्म, सी डिफेंड द बॉडी या डी आर डिसिप्लिंड। डिफेंड द बॉडी, वेरी गुड, अनिरुद्ध सिंह ने पहले जवाब दिया है, फॉलोड बाय अदिति भगत, फिर विश्वराज त्यागी, फिर शाश्वत सिंह ओके। सी इज द राइट आंसर, वंडर जवाब दिया ओके, यूनिफॉर्म नहीं, अपीयर यूनिफॉर्म, एक जैसे अपीयर होते नहीं, दे डिफेंड द बॉडी ओके। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, हेपेटाइटिस इज अ जनरल टर्म फॉर अ डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय, हेपेटाइटिस जो डिजीज है वो किससे किसके वजह से होती है, वायरस बैक्टीरिया पैरासाइट्स या ऑल द थ्री। हेपेटाइटिस, ठीक है इनान कुंडू, अनिरुद्ध सिंह हैज गिवन द राइट आंसर, इट्स वायरस ओके, वायरस फॉलोड बाय वंडर बॉय then Shashwat Singh then Anil Kumar, the correct answer is virus, hepatitis is a disease caused by a virus। okay ऐसे सवाल काफी एग्जाम में आते हैं disease related। okay आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, which of the following is not a carbohydrate, आसान सवाल है ये भी, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। Which of the following is not a carbohydrate? Maltose, fructose, glycogen, glycine। थोड़ा सा अगर आप options को remove करोगे, you will come to know the right answer। अरे भार्गव ठीक है यार, आपने पहले सही आंसर दिया होगा, doesn't matter। What matters की, अरे fructose तो sugar की form है, it's carbohydrate ही भैया वो, very good। Glycine is the right answer। सबसे पहले अनिरुद्ध ने सही जवाब दिया है, फॉलोड बाय भार्गव, भार्गव ने फिर विश्वराज त्यागी, फिर शाश्वत ने ओके। सो द करेक्ट आंसर इज ग्लाइसिन ओके, यस डी ग्लाइसिन इज द राइट आंसर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैश्ड ओके। आप देख लीजिए, आपको ये भी बहुत सिंपल सा है ओके okay? इसमें ABCD लिखना आप ऑप्शंस, ठीक है ABCD लिखना, हीमोग्लोबिन, स्किन, विटामिन सी, स्कर्वी, कार्बोहाइड्रेट, पोटैटो, फैट, बटर, इसमें कौन सा आपको लग रहा है कि करेक्टली मैच नहीं है। विश्वराज त्यागी ने सही जवाब दिया है, फॉलोड बाय अनिरुद्ध सिंह ओके, फिर अदिति भगत, फिर अनिल कुमार, ठीक है इन बच्चों ने सही जवाब दिया, द करेक्ट आंसर इज ए। अब विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है, पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, बटर में भी फैट होता है, हीमोग्लोबिन और स्किन का कोई रिलेशन नहीं लग रहा है, कोई मैच नहीं लग रहा है, सो ए इज द राइट आंसर। अदर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो गिविंग राइट, ठीक है मैं अगर आप लोगों के नाम नहीं ले रहा हूं तो कोई बात नहीं ओके okay? अच्छा ये ऑलरेडी फिर हम लोग कर चुके हैं, उसी तरीके का सवाल है लेकिन अलग तरीके से पूछा गया है, विच
विच इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। अभी हमने एयरबॉर्न डिजीज देखा था ना, उसी तरीके का सवाल है, वही सेम सवाल है। ओके स्वाद का किचन, आई एम नॉट इग्नोरिंग यू, हाउ कैन आई इग्नोर स्वाद का किचन। ओके अनिरुद्ध ने सही जवाब दिया है, मीजल्स। मीजल्स ठीक है, वही सवाल है, सेम सवाल है, अलग तरीके से पूछा गया है सिर्फ। ओके मीजल्स इज द राइट आंसर। आदित्य राज सिहाग ने भी सही जवाब दिया है, शाश्वत सिंह ने भी सही जवाब दिया है, वंडर बॉय नारायण ने भी सही जवाब दिया, इट्स मीजल्स, कम्युनिकेबल एयरबॉर्न डिजीज, वही। ओके चल आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम, किसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है पर ग्राम, ग्राउंडनट, सोयाबीन, एप्पल, व्हीट। आसान है ये भी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम, सोयाबीन इज द राइट आंसर। विश्वराज त्यागी ने पहले जवाब दिया है, फॉलोड बाय अनिरुद्ध, देन शाश्वत, देन अनिल कुमार, देन सराज माधवे, वंडर बॉय। ओके आदित्य राज सिहाग, इट्स सोयाबीन। भार्गव ने भी सही जवाब दिया है, भार्गव घेतोड़ी। स्वाद का किचन ने भी सही जवाब दिया है, सुजॉय ने भी। ओके मैं चाहता हूं कि कोई बात नहीं। ओके अगले सवाल पे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। ओके अल्फा कैरेटीन इज अ प्रोटीन, अल्फा कैरेटीन एक प्रोटीन है, वो किसमें पाया जाता है, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस हैं ब्लड, एग्स, स्किन, वूल। अल्फा कैरेटीन एक प्रोटीन है, वो किसमें पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, एग्स में, स्किन में, वूल में। वंडर नारायण हैज गिवन इट राइट, सिर्फ वंडर नारायण ने ही सही जवाब दिया है, बाकी तो बच्चे सब, फॉलोड बाय भार्गव, बाकी तो बच्चे और फिर विश्वराज त्यागी ने भी सही जवाब दिया है। ठीक है इट्स डी वूल, बाकी के बच्चे एग्स बोल रहे हैं सभी। ओके अच्छा आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगला सवाल देखो, अगला सवाल भी इजी है, मशरूम्स आर या कैन बी। ओके ऑप्शंस देखो, वैरायटी ऑफ फंगस या फ्लेशी फ्रूटी फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ द फंगस या ग्रोन इन स्मॉल शेड्स और प्लॉट्स या ऑल द थ्री अबव। ऑप्शंस हैं, ए है वैरायटी ऑफ फंगस, बी है फ्लेशी फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ द फंगस। ओके चलो ठीक है, बच्चे ए बी सी डी करके जवाब दे रहे हैं, तो सबसे पहले जो सही जवाब दिया है वो सराज माधवे ने दिया है, इट्स डी ऑल ऑफ द अबव, फॉलोड बाय तनु कटियार, देन वंडर बॉय। ओके द करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ द थ्री अबव, सारे ठीक पॉइंट है मशरूम से रिलेटेड। ओके विनीत खंडेरी बोल रहे हैं फंगस, फंगस तो है ही लेकिन और भी पॉइंट्स वैलिड है। अगला अगला क्वेश्चन देखो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फूड प्रोडक्ट, इनमें से कौन सा प्राइमरी फूड प्रोडक्ट नहीं है, वेजिटेबल्स, मिल्क, सीरियल, फ्रूट्स। वेरी गुड, अनिरुद्ध ने सही जवाब दिया है, मिल्क इज द राइट आंसर। ओके 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 सुजॉय, सुजॉय ने भी लिखा है। स्वाद का किचन इज सेइंग सर आई हैव अवेल्ड योर वर्कशॉप एंड थैंक्स फॉर एडिंग करंट अफेयर्स। चलो आई होप कि आप सभी को बेनिफिट मिले 5 डेज वर्कशॉप से और कटिंग एज से। ओके और कॉम्बो कोर्स लेंगे तो डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। सो मिल्क इज द राइट आंसर। ओके मिल्क इज द राइट आंसर, याद रखना मिल्क इट इज नॉट अ प्राइमरी फूड प्रोडक्ट, अगर आप दूध नहीं भी पियेंगे तो चलेगा। ओके जब वो खाना नहीं खा सकते,
बच्चे पूछ रहे हैं सर कोचिंग कब से स्टार्ट हो रही है, उसके बारे में एट द एंड में डिस्कस करूंगा ऑफलाइन क्लासेस के बारे में। नया बैच हमारा 21 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। ओके आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है विटामिन ए एंड सी आर प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन ब्रिंजल, लेडीज फिंगर, पोटैटो या टोमेटो। आदित्य राज सिहाग सिंह, अच्छा ठीक है, पहले मैं आंसर्स की बात करता हूं। सो आदित्य भगत ने सबसे पहले सही जवाब दिया है, फॉलोड बाय विश्वराज त्यागी, देन अनिरुद्ध सिंह। इट्स टोमेटो, डी इज द राइट आंसर। ओके टोमैटो, जिसमें विटामिन ए के साथ साथ विटामिन सी भी पाया जाता है। ओके अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। डिफेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरिया इज, आई थिंक ये बच्चों को नहीं आता होगा। डिफेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमारी बॉडी का डिफेंस क्या है? ओके हीमोग्लोबिन, फेगोसाइट्स, आरबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। अनिरुद्ध सिंह ने सही जवाब दिया है, इट्स बी फेगोसाइट्स। ओके आंसर इज बी फेगोसाइट्स। ओके बच्चे कह रहे हैं सर करंट अफेयर्स लाइए, लाइव आइए, मैराथन करंट अफेयर्स की मैराथन लाइए। ओके डोंट वरी, आपके लिए सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट लाऊंगा, डोंट वरी। ओके अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगला सवाल क्या है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नर्व्स फ्रॉम द आईज एंड ईयर्स आर कनेक्टेड टू, ऑप्शन है ए सेरेब्रम, बी सेरेबिलम, सी मेड्यूला या डी स्पाइनल कॉर्ड। सिराज माधवे सिंह, आई एम नॉट एबल टू सी अनिरुद्ध चैट, मुझे तो दिख रही है। कुछ बच्चे मेड्यूला बोल रहे हैं, कुछ बच्चे, बट द करेक्ट आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज बी सेरेबिलम। ओके बी इज द राइट आंसर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अच्छा ल्यूकेमिया एक बीमारी है, इट्स ए डिजीज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर। ओके दैट रिजल्ट फ्रॉम सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर इन द ब्लड। Specifically speaking, leukemia occurs due to options है A hemoglobin increases in blood, B है marked increase of white corpuscles in blood, C है marked increase of protein and calcium या D है marked reduction of protein in blood। Okay, so the correct answer is B. Okay, B is the right answer. Okay, marked increase of white corpuscles in blood. डोंट वरी, चलो करंट अफेयर्स के साथ आऊंगा मैं, आगे बढ़ते हैं। अगला लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओके अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है व्हाट इज ब्लड प्रेशर। ऑप्शंस देख लो, इट इज द प्रेशर दैट ब्लड क्लॉट एक्सर्ट्स ओवर द ब्रेन। देर आर डिफरेंट ऑप्शंस। ऑप्शंस पढ़े आप, ओके ओके मैंने फोन चार्ज पे लगाया अभी ना। चलो सो व्हाट इज द राइट आंसर, आई होप कि आपने ऑप्शंस
अच्छा बच्चे कह रहे हैं सर इट्स बफरिंग, ओके डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड डी इज द राइट आंसर, इट इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन द ब्लड एज अ रिजल्ट ऑफ द हार्ट्स पंपिंग फंक्शन एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर वॉल्स, डी इज द राइट आंसर, बाकी के ऑप्शन एक बार पढ़ जरूर लेना, ठीक है, द करेक्ट आंसर इज डी, ओके। रेहान अहमद मैं आपको क्यों इग्नोर करूंगा, बच्चे लिख रहे हैं यू आर इग्नोरिंग मी, इग्नोर यार, आई विल नॉट इग्नोर एनीवन यार, मैं क्यों अपने स्टूडेंट्स को इग्नोर करूं, मुझे क्या मिलेगा बच्चों को इग्नोर करके। अगला सवाल, अ ब्लड वेसल दैट कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सर प्लीज ब्रिंग क्विज ऑन मैथ्स, अदिति भगत कह रहे हैं, चलो ठीक है मैथ्स काफी टाइम से नहीं लिया। खुश रत्न पाटिल इज सेइंग इट्स डी, नो इट्स नॉट डी, पल्मोनरी आर्टरी, अनिरुद्ध सिंह ने सही जवाब दिया इट्स बी, ठीक है, मैंने बच्चों को इस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ दैट आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन आगे अगर पल्मोनरी लग गया इट कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। और पल्मोनरी आर्टरी याद रखना डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है फ्रॉम 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 लंग्स टू हार्ट, ओके लंग से हार्ट पर। ओके चलो अगले सवाल पे आते हैं, बच्चे कह रहे हैं सर इट्स बफरिंग, ओके अगला सवाल देख लो, हे फीवर इज एन एलर्जिक रिएक्शन टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द एयर, डस्ट स्मोक पोलन मॉइस्चर, अर्चित पवार इज सेइंग मैथ्स मैथ्स मैथ्स, अरे डोंट वरी यार मैथ्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, ओके 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 यस। अच्छा यहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पल्मोनरी आर्टरी की बात कर रहा हूँ, अगर मैं फोर चैम्बर्ड हार्ट बनाऊ, ठीक है इस तरीके से, ओके सो दिस विल बी इट्स अ फोर चैम्बर्ड हार्ट ना, तो दिस विल बी राइट ऑरिकल, दिस विल बी लेफ्ट ऑरिकल, this will be right ventricle, this will be left ventricle, okay left ventricle, auricles में auricles क्या करते हैं blood को store करते हैं, okay they store blood, okay चलो इसको देख लो पहले अच्छे से समझ लो, okay तो होता क्या है, ऑरिकल्स का काम है ब्लड को स्टोर करना और वेंट्रिकल्स का काम है ब्लड को पंप करना, ओके तो होता क्या है कि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से आएगा कहाँ ऑरिकल में और फिर वो जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल इसको पंप करता है कहाँ, इसको पंप करता है लंग्स में, तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यही जाता है पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ओके तो मैं तो गलत बोला है, इट शुड बी हार्ट टू लंग्स, ओके क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लंग्स में उसको ऑक्सीजनेट ऑक्सीजनेटेड किया जाएगा, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, आई होप कि ये क्लियर है। अच्छा ठीक है अगला सवाल, हे फीवर है बेटा, हे फीवर होता है बिकॉज ऑफ द एलर्जी फ्रॉम पोलन ग्रेन्स, ओके नॉट पोलन ग्रेन्स के वजह से, ओके अच्छा एक चीज और मैंने देखा है, अभी मैं लाइव नहीं देख पा रहा हूँ कि कितने लोग बेसिकली लाइव आए हैं, ठीक है जब वीडियो एंड होता है तो मुझे तब पता चलता है बच्चों के व्यूज, जब मैं व्यूज देखता हूँ, तो मैं चाहता हूँ जितने भी बच्चे अभी लाइव हैं वो लाइक जरूर करें वीडियो को, ओके
पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है मोबाइल, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ मोबाइल या आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। जब से एक बार चैनल हमारा हैक हुआ तब से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अभी लाइव चैट मुझे जीरो दिखा रहा है, मुझे पता नहीं इसको कैसे चेंज करते हैं। ओके तो मुझे अभी जीरो दिखा रहा है, मेंबर्स दिखाई नहीं रहा। बच्चे कह रहे हैं 26 पीपल आर लाइव। ओके तो इतने लाइक्स तो चाहिए मुझे कम से कम। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से सेशन को वाइंड अप करते हैं। ओके सो करेक्ट आंसर इज सी, आगे बढ़ते हैं। ओके द बिहेवियरल पैटर्न ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म में अपसेट व्हेन डीडीटी इज यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड। ओके अब डीडीटी तो बैन हो चुका है, लेकिन जब इसको एज अ पेस्टिसाइड यूज करते थे क्रॉप्स में, तो इसके वजह से कौन से ऑर्गेनिज्म को सबसे ज्यादा असर पड़ता था। ऑप्शन है अर्थ वॉर्म, बी स्नेक, सी फिश या डी फ्रॉग। ओके सो द करेक्ट आंसर इज सी फिश, क्योंकि डीडीटी क्या होता था, वॉश आउट हो जाता था और सारा वाटर बॉडीज में मिल जाता था, जिसके वजह से फिश को काफी नुकसान। सी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल है विटामिन के इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन के इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन देख लीजिए। विटामिन के इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शंस ऑप्शंस में यहां पर क्या क्या है। ऑप्शंस में निकोटिनिक एसिड, राइबोफ्लेविन, थियामिन या 2-मिथाइल 4-नेफ्थोक्विनोन। बच्चे कह रहे हैं सी सी। ओके अनिरुद्ध ने सही जवाब दिया है। ओके द करेक्ट आंसर इज डी, डी इज द राइट आंसर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन। ब्लड प्रेशर कौन से हार्मोन से कंट्रोल होता है। ऑप्शंस देख लो, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटॉक्सिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। ये तो बहुत आसान है, इसमें तो आप गलत ऑप्शंस को रिमूव करो बस। ऑक्सीटॉक्सिन से नहीं होता, एस्ट्रोजन से नहीं होता, टेस्टोस्टेरोन से नहीं होता, एक ही ऑप्शन है वैसोप्रेसिन। ओके विश्वराज त्यागी, अनिरुद्ध नहीं गलत, शाश्वत ने सही जवाब दिया है, फिर भार्गव गहतोरी ने। ओके आपने देखा होगा ऑक्सीटॉक्सिन के इंजेक्शंस डेयरी इंडस्ट्री में बहुत यूज होते हैं, गाय खूब ज्यादा अच्छे से दूध दे तो उनको ऑक्सीटॉक्सिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। ओके नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड प्रेशर या कंट्रोल ब्लड प्रेशर के लिए उसका कोई रोल नहीं है। ओके अगले में आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज अ रोल इन कन्वर्टिंग नाइट्रेट्स टू फ्री नाइट्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट। तनु कटियार कह रहे हैं सर टारगेट इज 100 लाइक्स, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सूडोमोनस, नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोबैक्टर या राइजोबियम। राइजोबियम इज द राइट आंसर। अनिरुद्ध सिंह ने पहले जवाब दिया है, फिर जवाब दिया है शाश्वत ने, सराज माधवे ने, विश्वराज त्यागी ने, सभी बच्चों ने सही जवाब दिया। इट्स राइजोबियम, इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है एग्जाम में। करेक्ट आंसर इज डी, राइजोबियम। अगले सवाल पे आ जाओ। दिस मच इज क्लियर। ओके अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। आसान सवाल है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, गुआवा, पाइनएप्पल, ऑरेंज, टोमेटो। ऑरेंज इज द राइट आंसर। अनिरुद्ध सिंह ने पहले जवाब दिया है। ओके फिर विश्वराज त्यागी ने, फिर शाश्वत ने, सो इट्स ऑरेंज। ये तो इजी था। ओके ऑरेंज इज द राइट आंसर।
ओके आगे बढ़ते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है, ए बी सी डी करके आप आंसर दीजिएगा. बेकरल, रेडियो एक्टिविटी, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन, लुइस पाश्चर ब्लड ग्रुप्स, विलियम हार्वे ब्लड सर्कुलेशन. आसान सवाल है भी. में रुहेलाई सिंह सर आप डेली लाइव आए, डोंट वरी आई कम लाइव डेली, ओके आई ट्राई टू कम. वेरी गुड, अनिरुद्ध ने फिर से सही जवाब दिया है. अभी इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी आएगा. द करेक्ट आंसर इज लुइस पाश्चर, ओके इज नॉट अ फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स. ओके वैक्सीन आई थी एंटी रेबीज, ये क्वेश्चन आ सकता है अभी आगे. ओके बाकियों का भी आप याद रखना. रेडियो एक्टिविटी, बेकरल, पेनिसिलिन, हु इज द फादर ऑफ पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक्स, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और ब्लड सर्कुलेशन किसने बताया, विलियम हार्वे. ओके बाकी का कंटेंट भी आपको मालूम होना चाहिए. ओके आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं. अगला सवाल है, प्राइमरीली विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ द बॉडी इज अटैक्ड बाय द एचआईवी, ये तो आसान सवाल है. कार्डियोवास्कुलर, इम्यून, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव. कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपकी वॉइस कट रही है, बफरिंग बीच बीच में हो रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है नेट में. वेरी गुड, शाश्वत ने सबसे पहले सही जवाब दिया, इम्यूनिटी. ओके फिर उज्ज्वल प्रताप ने, फिर अनिरुद्ध सिंह ने. ओके द करेक्ट आंसर इज अगर किसी को एचआईवी हो जाए ओके तो उसका इम्यून सिस्टम सबसे पहले इफेक्ट होता है, इम्यूनिटी. द करेक्ट आंसर इज बी, इट्स नॉट कार्डियोवैस्कुलर. ओके आगे बढ़ते हैं. अच्छा ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब मुझे बताना इसका सही आंसर क्या. इन द ह्यूमन बॉडी द ब्लड एंटर्स द एओटा ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉम, एओटा के थ्रू ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल. क्या होगा सही जवाब, इट्स नॉट लेफ्ट आर्ट्रियम, नहीं इट्स नॉट लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल इज द राइट आंसर. विश्वराज त्यागी ने सही जवाब दिया. ओके विश्वराज त्यागी, देन फॉलोड बाय उज्ज्वल प्रताप एंड देन भार्गव. लेफ्ट वेंट्रिकल अभी हम लोगों ने बात करी थी, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है टू द वेरियस पार्ट ऑफ द एओटा. ओके सो द करेक्ट आंसर इज बी. ओके अगले में आते हैं. अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट न्यूट्रिएंट्स इज नॉट सप्लीमेंटेड इन द सॉइल फॉर ग्रोइंग लेग्यूम्स. ओके तो इसमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है जो नहीं मिलता सॉइल को जब हम दालें लगाते हैं ना. ओके दालों की जब हम खेती करते हैं तो कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस या नन ऑफ दिस. ओके वेरी गुड, विश्वराज त्यागी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, द करेक्ट आंसर इज पोटेशियम. वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर, पोटेशियम. अनिरुद्ध सिंह ने भी सही जवाब दिया है, इट्स पोटेशियम. ओके अभिषेक कुमार ने भी सही जवाब दिया है, शाश्वत कह रहा है नन ऑफ दिस, नहीं इट्स पोटेशियम. ओके इसलिए आप जब कभी भी नाइट्रोजन की डिफिशियंसी सॉइल में होती है तो फार्मर्स क्या करते हैं वो फिर लेग्यूम्स मतलब दालें ग्रो करते हैं. ओके ओके अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ. अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज द सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल, सुसाइड बैग्स किसे कहते हैं, राइबोसोम्स, गॉल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स या न्यूक्लियोलाई. ऑप्शन है राइबोसोम्स, गॉल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, गॉल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स या न्यूक्लियोलाई. लाइसोसोम्स इज द राइट आंसर, अनिरुद्ध सिंह ने सही जवाब दिया है,
भार्गव ने भी सही जवाब दिया है। सराज माधवी फिर से वही पूछ रहा है कि सर आई एम नॉट एबल टू सैट, स्क्रीनशॉट खींच के भेजूं क्या? ओके, तो सो द करेक्ट आंसर इज सी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल भी आसान है। एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म यूरिया, ये भी आसान सवाल है, अगर आप रिलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपको। ओके, टू फॉर्म यूरिया इन किडनी, लीवर, स्प्लीन, रेक्टम। एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स, ए बी सी डी मत डालो ऑप्शंस में। बच्चे कह रहे हैं सर वॉइस ब्रेक हो रही है। किडनी इज द राइट आंसर, भार्गव ने सही जवाब दिया है, फॉलोड बाय विश्वराज त्यागी, देन उज्जवल प्रताप, शाश्वत, अनिरुद्ध, सभी ने सही जवाब दिया, इट्स ए किडनी। ओके, अदम्या रुहेला आप पूरा ऑप्शन लिखे। ओके, ए बी सी डी लिख रहे हैं तो मैं फिर देख नहीं पा रहा हूं। ओके, अगले सवाल में आ जाए। अगला सवाल है, इफ ए पर्सन कैन सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली व्हेन इट इज प्लेस्ड एट अबाउट 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम हिम, अगर एक इंसान किसी ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख लेता है अगर वो उससे 25 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो वो कौन सी बीमारी से कौन सी बीमारी को सफर कर रहा है, सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, एस्टिगमेटिज्म या नन ऑफ द अबव। आसान सवाल है, बच्चे कह रहे हैं मायोपिया। वेरी गुड, उज्जवल प्रताप ने सही जवाब दिया, इट्स नन, नन। अरे भाई देख पा रहा है वो, मायोपिया कैसे हो जाएगा, इट्स डी, नन, नन ऑफ द। ओके, ओके आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, मैंने आपको बताया था, देखते हैं कौन पहले आंसर करता है। एंटी रेबीज वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर, अभी हमने बात करी थी, जेम्स लिंड, लुईस पाश्चर या रॉबर्ट कोच, अभी डिस्कस करा था हमने। एडवर्ड जेनर, लुईस पाश्चर इज द राइट आंसर, अनिरुद्ध ने सबसे पहले सही जवाब दिया। ओके, अनिरुद्ध सिंह हैज गिवन द राइट आंसर, इट्स लुईस पाश्चर। ओके, अनिरुद्ध के अलावा काफी और बच्चों ने भी सही जवाब दिया है, अनिरुद्ध के अलावा गुज्जर गेमिंग, ओके, शाश्वत ने, भार्गव ने, विश्वराज ने, सभी ने सही जवाब दिया है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सी, लुईस लुईस पाश्चर। ओके ओके, और आज का लास्ट सवाल है, मिल्क टीथ इन अ चाइल्ड ऑफ 3-4 ईयर्स डू नॉट इंक्लूड, जो दूध के दांत होते हैं उसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है, इंसाइजर्स, कैनाइंस, मोलर्स, प्री मोलर्स। ओके, तो सही जवाब दिया है शाश्वत सिंह ने, ओके, फॉलोड बाय भार्गव। गुज्जर गेमिंग इज सेइंग सर माय नेम इज राज फ्रॉम राजस्थान, ओके राज। फिर उज्जवल प्रताप ने भी सही जवाब दिया, इट्स मोलर्स। ओके, ओके, सो आई विल प्रोवाइड यू इट्स पीडीएफ, डोंट वरी, अराउंड 50 क्वेश्चंस हमने आज करे हैं इंपॉर्टेंट साइंस के। ओके, तो मैं आपको पीडीएफ जरूर दूंगा, मैं इसकी प्रोवाइड करूंगा। ओके, डोंट वरी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको मैं बताना चाहूंगा, बच्चे पूछ रहे थे सर ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहे नहीं हो रहे, तो 21st of October से वी आर स्टार्टिंग न्यू बैच, RNCRMS सैनिक स्कूल के बच्चे इन्वाइटेड हैं, आ सकते हैं, अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। ये फोटोग्राफ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हॉस्टल की फोटोग्राफ है। ओके, और लास्ट में ऑल द बेस्ट टू ऑल द RNCRMS। ओके, खूब अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से एग्जाम दें कॉन्फिडेंस के साथ। ओके, और जिन बच्चों को कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग द एग्जाम,
ऑनलाइन कोर्स कैसे अवेल करें तो वो नीचे दिए गए नंबर्स पे फोन कर सकते हैं। उसके अलावा वी डू हैव अ टेलीग्राम चैनल जिसमें मैं सारी नोटिफिकेशंस बच्चों को देता हूँ, मैं कब लाइव आ रहा हूँ, मुझे 5 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे लाइव आने में, सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों को टेलीग्राम में देता हूँ। ओके, उसके अलावा जो भी मैं कंटेंट बच्चों को एकेडमिक देता हूँ उसकी उसकी जो पीडीएफ है वो मैं बच्चों को टेलीग्राम में ही देता हूँ। ओके, आई प्रोवाइड द पीडीएफ वेयर इन द टेलीग्राम चैनल ओनली। ओके, अच्छा, उसके अलावा वी डू हैव फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज, हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज भी है, सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हम वहां पर भी देते हैं, तो वहां से भी आपको इंटीमेशन मिल सकता है रिगार्डिंग द एकेडमिक कंटेंट, या कोई भी अगर ऑफलाइन कोई भी एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं तो उसका उसकी पोस्ट हम जरूर डालते हैं। मैं चाहता हूं कि आप वहां पर भी हमारी फैमिली को बढ़ाएं और फॉलो करें हमारे पेजेस को फेसबुक में और इंस्टाग्राम में। ओके, लास्ट में मैं कहना चाहूंगा जो बच्चे अभी नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन ताकि आप सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें, डिफेंस एग्जाम्स के एकेडमिक कंटेंट मिलते रहें, साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्यार मिलेगा, लाइक्स ज्यादा मिलेंगे, व्यूज ज्यादा मिलेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं कोशिश करूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा लाइव आऊं। ओके, और कुछ बच्चे सर टारगेट 100 लाइक्स का, तो देखता हूं मैं कितने लाइक्स इस वीडियो में को मिलते हैं। 100 इज अ वेरी स्मॉल नंबर। ओके, लेट्स सी कि कितने इसमें लाइक्स मिलते हैं। ओके, सो आई होप कि आज का सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, इसी तरीके के सेशंस में और लाऊंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, बाय, सी यू सून, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द आर एम सी स्पिरिट्स, ऑल द बेस्ट।